आज के इस वीडियो में हम डिश टीवी के जिंग सुपर एफटीए बॉक्स के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आपके सेट टॉप बॉक्स में कुछ इसी तरह का चैनल स्कैन एरर दिखाई दे रहा है, 303 चैनल स्कैन एरर, तो इस एरर को ठीक कैसे किया जाता है, क्योंकि मामूली तौर पर बताया जाए तो ये बहुत आसानी से जो है आपके बॉक्स में आ सकता है। इसके पीछे जो मेजर प्रॉब्लम है दोस्तों वो यही है कि या तो आपका एंटीना सिग्नल नहीं पकड़ रहा होता है और आप चैनल स्कैन कर देते हैं, जिसकी वजह से एरर आ सकता है। दूसरी बात, हम कई बार क्या करते हैं, अपने सेट टॉप बॉक्स में फ्रीक्वेंसी को बदलने की कोशिश करते हैं और ये भी सबसे बड़ी वजह होती है कि ये जो चैनल स्कैन का एरर है वो हमारे बॉक्स में आ जाता है। और सबसे बड़ा सवाल जो होगा वो आपका यही होगा कि भाई इसको ठीक कैसे किया जाएगा, ये बताइए। तो फटाफट से आपको मैं टीवी स्क्रीन की ओर ले चलता हूँ और समझा देता हूँ कि भाई इसको आप कैसे खुद से ठीक कर सकते हो। किसी भी टेक्नीशियन को बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 2 मिनट का काम है और 2 मिनट के अंदर ही आपका काम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। बस आपकी जरूरत है तो सब्सक्राइब करने की, बेल आइकन को दबाने की और वीडियो को लाइक करने की। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को। तो सिद्ध आपको मैं टीवी स्क्रीन की ओर लेकर आ चुका हूं और आप सामने देख सकते हैं कि हमारा जिंक सुपर एफटीए बॉक्स पे जो है 303 चैनल स्कैन एरर दिखाई दे रहा है और यहां पर सिर्फ यही बता रहा है कि रिमोट से आप अगर ओके बटन प्रेस करते हैं तो आपके जो चैनल्स हैं वो वापस से रिस्टोर हो जाएंगे। और जब आप रिमोट से ओके बटन प्रेस करते भी हैं उसके बावजूद भी जो चैनल्स हैं वो आपके आते नहीं और 9 चैनल का एरर आ जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि दोस्तों आपने जो है या तो फ्रीक्वेंसी में कोई इनपुट चेंज किया है या फिर आपके बॉक्स में जो है सिग्नल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको डिश एंटीने को अच्छे से चेक कर लेना है कि अगर वो सिग्नल रिसीव कर रहा है या नहीं। और अगर आपने बॉक्स में कुछ भी चेंजेस किए तो आपको खुद मालूम ही होगा कि हाँ आपने बॉक्स में कुछ चेंजेस की थी, उसी से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे कि आप सामने दोस्तों नीचे देख सकते हैं कि हमारी जो है फ्रीक्वेंसी गलत आ रही है। ये आपको मैंने समझाने के लिए जो है फ्रीक्वेंसी चेंज करके दिखाई है क्योंकि बहुत से कस्टमर्स हैं जो कि फ्रीक्वेंसी चेंज करके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आप सामने देख सकते हो कि रेड रंग का जो आइकन आ रहा है उसके साथ में फ्रीक्वेंसी आ रही है 12666 वर्टिकल 27500। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो गलत है जिसकी वजह से सिग्नल जो है वो हमारे डिश टीवी में आ नहीं रहे हैं। अब इसको ठीक कैसे किया जाएगा, तो रिमोट से आपको ओके बटन प्रेस कर देना है। अब ओके बटन प्रेस करने देने के बाद रिमोट से दोस्तों आपको जो मेन्यू बटन है वो कंटिन्यूसली दबाए रखना है अपने रिमोट से सेट टॉप बॉक्स के बिल्कुल सामने, जब तक आपके एडवांस सेटिंग का ऑप्शन इनेबल नहीं हो जाता है, टीवी स्क्रीन पर नहीं आ जाता है। तो सेट टॉप बॉक्स के बिल्कुल सामने जो है आपको रिमोट से मेन्यू बटन को दबाए रखना है और सेट टॉप बॉक्स की जो लाइट है वो ब्लिंक होती रहेगी, जिसका आपको ये अंदाजा रहेगा कि आपका जो है सेट टॉप बॉक्स उस नए एडवांस सेटिंग ऑप्शन को ओपन करने के लिए तैयार हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि सामने जैसे ही मैंने इसको कंटिन्यूसली रिमोट से मेन्यू बटन को दबाए रखा और सेट टॉप बॉक्स की लाइट ब्लिंक होती रही, हमारे सामने एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो है अपनी चेंजेस जो है वो सही करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी जो है वो मेरी यहाँ पर चेंज हो रखी है, जिसको मैं यहाँ पर सही कर दूंगा 12688। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को मैंने सही कर दिया है और पोलरिटी आपकी वी रहेगी, सिंबल रेट आपका 27500 ही रहेगा और एल एन बी जो टाइप है वो आपका यूनिवर्सल एल एन बी ही रहने वाला है। बाकी अगर आप डिस्क स्विच यूज करते हैं तो ही आप उसको इनेबल कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर इसको ऑफ करने का या नन करने का ऑप्शन आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे दोस्तों कि एज इट इज कुछ जो है आपको इन्हीं चीजों को फॉलो करना है। सेटेलाइट आपका SCS 8 रहेगा अगर आप नॉर्थ इंडिया से या हिंदी प्लान देखते हैं। फ्रीक्वेंसी रहेगी आपकी 12688, पोलरिटी रहेगी वी, सिंबल रेट रहेगा 27500, एल एन बी टाइप आपका यूनिवर्सल एल एन बी रहेगा। डिस्क स्विच अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, नहीं तो उसको आप नन रखिए और एल एन बी पावर आपकी ऑन रहेगी। उसके बाद सिंपली दोस्तों को कुछ नहीं करना है, सेव एंड स्कैन कर देना है, आपके चैनल्स आपके स्कैन होने शुरू हो जाएंगे। अब मेरे केस में ये है कि मैं जो हूँ यहाँ पे डिस्क स्विच यूज कर रहा हूँ तो इसके लिए इसको मैं डिस्क स्विच 2 पर रखूंगा ताकि मेरे बॉक्स में चैनल्स आराम से स्कैन हो जाए। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर सेव एंड स्कैन का ऑप्शन आ गया है, इस पर रिमोट से मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। ओके पर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रीन सिग्नल में आ चुकी है और चैनल्स की जो स्कैनिंग है वो वापस से शुरू हो गई है। तो ऑलमोस्ट दोस्तों सभी के सभी जो चैनल्स है वो हमारे बॉक्स में स्कैन भी हो गए हैं और हमारे बॉक्स में ऐड भी हो गए हैं। अब सिंपली रिमोट से आपको ओके बटन प्रेस करना होगा और ओके बटन प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो कि जितने भी चैनल्स है दोस्तों वो हमारे बॉक्स में वापस से रीस्टोर हो गए हैं। तो जो भी चैनल आप देखते हैं अपनी पसंद का उसे वापस से आप जिंक बॉक्स में देख सकेंगे और जो आपके चैनल स्कैन एरर की प्रॉब्लम आ रही थी वो ठीक हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। नमस्कार।